जनता के ऊपर, जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो क्यों हो रहा है? कितने भाजपा नेता आपको गिना दे, हम बताइए कितने गिना दे? करोड़ों लोगों को रोजगार देने की बात की तो कहां गए? अपराधी को अपराधी की नजर से देखना चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए। कि जो भी ऐसी घटनाएं करे उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ। राजनीति में कभी भी किसी का भी पलड़ा भारी हो सकता है, यह कुछ उदाहरण अभी हाल ही में देखने को मिले। लोकसभा चुनाव के बाद जहां भाजपा को झटका लगा था और भाजपा दबी नजर आ रही थी, उसके बाद अंदर कलह भी देखने को मिली, वहीं जहां राहुल और अखिलेश की जोड़ी कमाल करने में लगी हुई थी, यूपी में बढ़िया प्रदर्शन सपा ने किया, लेकिन अब जो एक दो मामले सामने आए हैं जिसके बाद सपा घिरती नजर आ रही है, वो मामले हैं रेप के, गैंग रेप के। तमाम आरोप सपा के जो नेता हैं उन पे लगे हैं। पहले अयोध्या में एक मामला सामने आया, उसके बाद अब कन्नौज में सामने आया, इसके बाद भाजपा ने सपा को घेर लिया। देखिए, हाँ देखिए, ऐसा है कि कोई सपा एक पार्टिकुलर पार्टी नहीं है। जो आप सत्ता में जो पार्टी है, आप उससे ये सवाल पूछे कि ये जनता के ऊपर जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो क्यों हो रहा है? और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, पढ़ाओ का, तो बेटी ना पढ़ पा रही है इनकी वजह से, और ना ही बेटी आगे बढ़ पा रही है, और ना बढ़ पाएगी जब तक इनकी सत्ता रहेगी, ना वो बढ़ पाएगी, क्योंकि इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। सफाइयों पर ही क्यों लग रहा है आरोप? नहीं, क्या भाजपाइयों पे नहीं लगा? कितने भाजपा नेता आपको गिना दे, हम बताइए कितने गिना दे? नहीं, हम नहीं गिनाएंगे, आप खुद भाजपाइयों से पूछिए कि किस किस नेता पे नहीं लगा आरोप, बताइए आप। देखिए, मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से, सामाजिक संगठनों से, मैं और योगी जी से, मोदी जी से अपील करना चाहती हूँ कि देश की बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको आप रोकिए, और देश की महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ राजनीति आप लोग बंद कर दीजिए, न्याय के लिए लड़ना होगा। हम लोगों से भी पूछ लेते हैं कि उपचुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, क्या लगता है? क्या साकेत से, उपचुनाव में फर्क पड़ेगा? 101% पड़ेगा, पड़ेगा, भाजपा को इसमें प्लस पॉइंट मिल सकता है? भाजपा को प्लस पॉइंट तो मिलेगा ही, और जैसे राहुल गांधी जी का अभी एक बयान आया है शेयर बाजार पे, भ्रम फैला रहे हैं पूरे देश में राहुल गांधी, शेयर बाजार अपने देश का शेयर बाजार, जो देश का मार्केट है वो खत्म हो रहा है, उसमें पैसा ना लगाओ। तो राहुल गांधी ये इंडिया गठबंधन है जो ये खाली भ्रम फैलाते हैं, और बाकी भ्रम फैला रहे हैं आप लोग। भाई साहब, देश में 10 सालों में वर्तमान की जो वित्त मंत्री है सीतारमण जी, उन्होंने बयान संसद में दिया है कि देश में 98% की दर से कर्ज बढ़ रहा है। ये वित्त मंत्री का बयान है, इंडरमर की रिपोर्ट देख लीजिए, देश को ये कंगाल कर रहे हैं। और जहां तक अभी बताया इन्होंने, भाई साहब ने बताया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे ये नारा तब सफल होता जब आपके पूर्व गृह मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के घर में बुलडोजर चलता, कुलदीप सेंगर के घर में बुलडोजर चलता, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पवित्र स्थान में जिस बेटी के साथ बलात्कार किया भाजपाइयों ने, उनके घर में बुलडोजर चलता, तब इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सफल होता। बुलडोजर चलते क्यों नहीं है? जहाँ चल रहे हैं, जहाँ पाया जा रहा है दोषी वहाँ खूब बुलाइए ना, चला कि नहीं चला? अरे खूब चल रहे हैं भाई, चला है। अगर आप ये बता दें कि सुनिए, ये बता दें कि स्वामी चिन्मयानंद इनका जो पूर्व गृह मंत्री भारत सरकार का, वो रेप में फंसा, उसके घर बुलडोजर चला, पूछ लीजिए। जब दो सिद्ध हो जाएगा तभी तो, जब दो सिद्ध नहीं, दो सिद्ध तो ऐसे ये बताइए, किसी के ऊपर फर्जी जो है, फर्जी आरोप लगा दिया जाए, फर्जी उसके ऊपर वो कर दिया जाए, तो वो दोषी हो गया। ब्रजभूषा शरण सिंह, कुलदीप सेंगर के ऊपर जो सिद्ध हो चुका है, जैसे नाहिद हसन अयोध्या में नाहिद हसन का वीडियो आया, इसी तरीके चिन्मयानंद जी का, ब्रजभूषण शरण जी का, इन लोगों को वीडियो दे दे, बुलडोजर चल जाएगा, बस हो गया। सही है वीडियो का? ये मैं ये कोर्ट में, ब्रजभूषण शरण सिंह देश की वो बेटी जो पदक ला रही है विश्व में, वो गुहार मारती रही, एविडेंस क्या दे पाए, वो वीडियो वगैरह कहाँ साक्ष? पूरे साक्ष दिए भाई साहब, पूरे मीडिया में साक्ष है। और एक बात ये बताइए, आप तो बहुत जानकार व्यक्ति हैं, बुद्धिमान हैं, सुनिए मेरी बात। इस देश में
इस देश में जिसके ऊपर भी सरकार हो नीचे भी सरकार हो कितना ये लोग बचाएंगे अपने नेताओं को, इनके बचाने के बावजूद सही साबित हो रही घटना। जो महिलाएं जुड़ी हैं उनके साथ भी समाजवादी के लोग फर्जी पोस्टर बना करके फर्जी वीडियो बना करके डालते हैं। सपा में महिलाएं तक सुरक्षित नहीं है, ये क्या बोलेंगे? अरे अभी तो सरकार तो आपकी है, लगाम लगाइए ना। तो पार्टी उनकी पार्टी के विषय है, हमारा क्या उसमें है? जब वो कानून तो सबके लिए, अरे जब कोई महिला जब कानून के पास जाएगी, जब कोई एफ आई आर करेगी तब उसके साथ कार्रवाई होने लगा है। लंदन में जाके वहाँ पे विपक्ष के नेता, बांग्लादेश की जो विपक्ष के नेता थे उनके लड़के से राहुल गांधी ने वहाँ मुलाकात की और वहाँ पे एक महीने बाद बांग्लादेश में चक्कर-पलट हो रहा है। राहुल गांधी जी की इस देश में क्या मंशा है ये कांग्रेस वाले बता दें कि राहुल गांधी जी की इस देश में के लिए क्या मंशा, का चक्कर-पलट का बांग्लादेश कैसा हो जाए? देखिए सुनिए, राहुल गांधी जी आज अंतर्राष्ट्रीय नेता उभर के सामने आए, सुनिए सुनिए क्या पूरे देखो किसी से कोई भी मुलाकात कर सकता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता है, कोई भी मुलाकात कर सकता है। कितने बलात्कारी मोदी जी के साथ नहीं खड़े रहे, पता जी ने सबके ऊपर फांसी चढ़ा देंगे। कांग्रेस इंडी गठबंधन, कांग्रेस इंडिया जो गठबंधन है इन लोगों का, ये यहाँ तक गिर आए हैं कि इन्हें सत्ता चाहिए, चाहे जैसे आए, चाहे मार के आए, चाहे काट के आए, देश को डुबा के आए, सत्ता आनी चाहिए। अरे भैया अभी उपचुनाव हुए, ताजे उपचुनाव हुए, ये सब जगह हारे पूरे देश में, आने वाला हर चुनाव ना हारे भाजपा वाले, देख लीजिए अभी हम होने जा रहा है, पता चल जाएगी। सत्ता किसी के बाप की बपौती नहीं है, परिवर्तन का नाम सत्ता है, आज उनका है तो कल समाजवादी का है। सत्ता किसी की नहीं है, सत्ताधारी इतना संभल कर काम करे कि एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह उन्हें भी जीवन व्यतीत करना है, हमेशा वो सत्ताधारी ही नहीं बने रहेंगे। और ये सत्ताधारी जो है वो संभल जाए कि ये महिलाओं की रक्षा करें जिसकी भी सरकार हो, अब महिलाओं की रक्षा नहीं होगी तो कड़ा से कड़ा हमारी समाजवादी पार्टी। अर्चना पटेल जी भी आ चुकी है, सपा बढ़िया स्टैंड पे चल रही थी यूपी में, लोकसभा में बढ़िया सवाल दिखा। अब जो रेप के आरोप लग रहे हैं सपाइयों पर और ये गहरा दाग है, उपचुनाव में कितना फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सरकार देख रही है, अभी बौखलाई हुई है, अभी 2024 का नतीजा देख लिया इसलिए बौखलाई हुई है। इसके पहले जितने हादसे हुए उसने क्या जवाब दिया है? मणिपुर की घटना पे क्या सरकार ने जवाब दिया है? क्या बीजेपी ने एक्शन लिया है? बनारस की घटना पे क्या बीजेपी ने एक्शन लिया है? क्या लिया है? और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश भैया ने बोला है कि यहाँ पे देखिए कोई समाज कोई जाति नहीं है, दोषी दोषी होता है, जो भी अपराधी है आप जांच करिए सजा दीजिए, पार्टी उसके खिलाफ में है उसके पक्ष में नहीं है, इसमें चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह तो मुद्दा है बीजेपी का। डीएनए जांच की बात कर रहे हैं जो अयोध्या में, हाँ बिल्कुल डीएनए पास बिल्कुल करें, डीएनए करवाए और डीएनए पे जो दोषी पाया जाए उसको सजा दीजिए। या पापा कांग्रेस ये संदेश खाली पे एक शब्द बोल के दिखाए, मणिपुर में जो कुछ हुआ गलत हुआ प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, मणिपुर जैसी घटना, एक मिनट समझ लीजिए मणिपुर भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में मणिपुर की सबसे बड़ी घटना है जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। देखिए भारत के प्रधानमंत्री को एक दिन भी समय नहीं मिला कि वो जो प्रदेश जल रहे वहां जाए। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मगर संदेश खाली नहीं जा सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ूंगी। बंगाल में इंडिया गठबंधन की ही सरकार है, वहाँ पर ममता जी है, वहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ नहीं बोलेंगे संदेश खाली नहीं बोलेंगे। जो जहाँ जो हुआ वो गलत है, हम ये नहीं कहते जहाँ जो हर जगह हुआ हर जगह का। ये बैसाखी में खड़ी सरकार है, इसका कब वो गिर जाए इसलिए बौखला गई है, एक बैसाखी इसकी निकाल ली जाएगी वो गिर जाएगी। ये बताइए बैसाखी में सरकार जो अपने आप को कहता हूँ मैं पूर्ण बहुमत में हूँ, जितनी भी क्षेत्रीय दल है इनको इकट्ठा कर दो तब भी भाजपा के बराबर नहीं पहुँच रहे। भारतीय जनता पार्टी 240 भारतीय जनता पार्टी राजनीति से कुछ जातियों में कर रही है, एक दिन तो पास नहीं करा पा रहे हैं, बिल वापस लेना पड़ा अपना, बिल को जो है कौन सा बिल, अभी जो बिल आने वाला था वक्फ बोर्ड वाला बिल,
वक्फ बोर्ड वाला जो प्रक्रिया समिति को दे दिया गया है, संवैधानिक समिति जो जो निर्णय देगी, जो उसमें पास कराया जा सकता था, पास कराएगा, एक समिति होती है, उस समिति को गठित करके दे दिया गया है। अभी इनको ज्ञान नहीं, अधूरा ज्ञान पे बोलते हैं। इनके जो सहयोगी दल समझ नीतीश कुमार और चंद्र बाबू नायडू ने जब इन पे दबाव डाला, इन्होंने इज्जत बचाने के लिए उसको जेपीसी में डाल दिया। अब ये केवल बैसाखी पे टिकी सरकार है, जो सहयोगी दल कहेंगे वो इनको करना पड़ेगा। कांग्रेस जो है, हम आई उतनी सीटें हैं, कांग्रेस तीन चुनाव की अगर मिला ले, तीन चुनाव की अच्छी सीटें अपनी मिला ले, उससे ज्यादा है हमारी सीटें, आज भी भाजपा की सीटें है, आज भी ये 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए, 100 का आंकड़ा ये आज भी नहीं छू पाए हैं। अंतर कल है भारत वाले समय में, समय दीजिए, समय आ रहा है, हमारे सामने हो रही है, समय आ रहा है। और आप 10 साल से बीजेपी हमको दबा रहे, बीजेपी ने किस क्षेत्र में काम किया है? लेकिन ये जो सरकारें हैं, सपा और कांग्रेस और भाजपा आपस में इसी तरह डिबेटों में केवल जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है, जो असल मुद्दे हैं उनसे उन पर कोई जा नहीं रहा है। यहाँ पर किसान की क्या स्थिति है, जो महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं वो कैसे रुके, जो बिजली की समस्या है वो कैसे निजात मिले, इन पर विचार होना चाहिए और विकास का मुद्दा प्रथम होना चाहिए। और इसके बाद जो भी यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं, सरकार का दायित्व है, जिम्मेदारी है कि उन घटनाओं को रोके, और वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं और उनको एक्शन लेना पड़ेगा। जिम्मेदारी निभा नहीं पा रही भाजपा? नहीं, भाजपा निभा भी रही है और कहीं कहीं जो चूकें हो रही हैं, तो आपकी मीडिया के माध्यम से सरकार को ये एक देखना चाहिए कि आम जनता पर क्या असर जा रहा है। और मीडिया इसीलिए है कि कम से कम जनता का रोष और जनता की भावनाओं को प्रकट करके वहां तक पहुंचा रही है। तो आप लोगों के माध्यम से जो मैसेज जा रहा है उसमें सरकार को एक्शन लेकर के और ऐसी घटनाओं को रोके और तगड़ा एक्शन लेने का काम करे, तभी ये घटनाएं रुकेंगी। आम जनमानस का काम करें नहीं ले रहे और आपस में एक्शन ले रहे हैं। जो महिला सुरक्षा की बात हो रही है, देखिए महिला सुरक्षाओं में चाहे आवास हो, उनको गरीब महिलाओं को आवास दिया जा रहा है, गरीब महिलाओं को राशन दिया जा रहा है, गरीब महिलाओं को बेटियों को जो है पढ़ाने का सिर चल रहा है, खाली खाली में दिया जा रहा है, किसको आवास मिला है, हमारे दादा पता आज भी मिल रहा है, कोई नया काम भाजपा नहीं कर रहा। सरकारें केवल हम लोगों को राशन दे करके, राशन दे करके ये सोचती है कि देश में तरक्की आ गई, और जिससे सबक होना चाहिए और आम लोगों से पूछे। मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी की सरकार में आलू भाटा टमाटर और ये सारी चीजें जो नहीं मिल रही है, दाल तो कोई खा ही नहीं रहा, बुंदेलखंड में दाल पैदा हो रही थी और दाल कहाँ चली गई, ये सब व्यवस्था गरीब आदमी जो है भाटा आलू नहीं खा पा रहा है, ये गरीबी इतनी है कि शायद है कि जैसे बगल में हुआ है और होने वाला है, होने वाला। जितने भी दल हैं और जितनी भी पार्टियां हैं केवल आलू प्याज टमाटर और दाल पर बात करते हैं, इनको महंगाई केवल किसान के समांतर दिखती है, मगर जितना भी फैक्ट्रियों से पैदा किया हुआ है आज तक, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं किसी नेता में दम नहीं रही कि उस पर चर्चा कर सके, केवल किसान सबकी नजर में है कि अगर 2 रुपए किलो टमाटर बढ़ेगा तो हाहाकार हो गया, हाहाकार हो गया। अगर रिफाइंड अभी रिफाइंड का दाम 700 रुपए से जाकर 2400 उछला, मगर उसकी कोई चर्चा नहीं करेगा क्योंकि वो कंपनी से बन रहा है। जो सौ आप लोगों ने देखा भी है कि अगर प्याज का रेट बढ़ जाए तो उसकी माला पहनेंगे, मगर आपके माध्यम से मैं कहना नहीं चाहता कि किसका किसका कौन कौन सी कंपनी का सामान बढ़ा है, एक बार नेता उसकी माला पहन के दिखा दे, आपने कभी देखा है माला? मगर किसान पर केवल किसान पर सारी राजनीति करना चाहते हैं, किसान पर राजनीति होती है। क्या नाम है? मेरा नाम तीज तिवारी है। मैं बेरोजगार युवा हूँ, बेरोजगार युवा जी, और मैं एक बोलना चाहता हूँ। ये बताओ अभी ये घटना घटी? अरे वो घटना उठना मैं जानता हूँ, मेरा एक मुद्दा है सबसे बड़ा रोजगार, ठीक है। आप महंगाई बढ़ाइए कुछ भी बढ़ाइए, आपने कोई दिक्कत नहीं, अपने भारत देश में मोदी जी है तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी मोदीवादी है, मगर
मोदीवादी का मतलब ये थोड़ा ना है कि आप कोई रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। अपने बुंदेलखंड को देखिए क्या चल रहा है यहाँ। यहाँ कोई भी सांसद आप पुराने ही आदमी को आप टिकट दे रहे हैं, इसलिए आर के सिंह पटेल को हराया गया। हम ही लोग ने हराया, ये नए युवो ने, किसने हराया, नए युवो ने हर जगह से हराया। इसलिए हराया कि आप लोग को पर्दे जो बंद है वो दिखाने के लिए, आप पर्दा खोल लीजिए, नहीं आपकी सरकार योगी बाबा चली गई, नहीं हम भी भाजपा वाले हैं, बताए दे रहा हूँ। जनता जनता को चाहे अब कितना आप खेल लीजिए, फर्क नहीं पड़ रहा। जनता पूरी तरह से भाजपा के साथ है, इसमें कोई दोराह नहीं। चुनाव से पता चल जाएगा। जनता जाना तय है। एक बात सुन लीजिए, रही किसानों की बात, ये मोदी जी ने संसद में किसानों को आने की ब्याज आलू से सोना बता बना बना दुनिया भाई साहब। ये कट वीडियो, ये कट वीडियो छोड़िए, मोदी जी का कट वीडियो दिखा देना, हजारों वीडियो है, ये कट वीडियो छोड़िए, ये बचकाना हरकत छोड़िए। मोदी जी को, मोदी जी ने संसद में किसानों को आने के रोक दिया है। राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई है पूरे देश के किसान है जी, आना चाहते हैं क्यों आने दिया जाए। राहुल गांधी जी की आवाज है, उनको लॉक कर दिया था राहुल गांधी जी, उनसे मिलने कोई आने था गया मिलने उनसे। हम विरोध नहीं कर रहे मोदी जी का, हम रोजगार जो सब सवाल हो काम रोजगार दो, जब प्राइवेट कंपनी मोदी का मुद्दा गर्म है, जनता जनार्दन है, जनता ने जो जनादेश दिया उसे हमने स्वीकार किया। मगर ये कांग्रेस या सपा बता दे कि ये जश्न किस चीज का मना रहे थे, कहां इनकी सरकार बन गई, जश्न किस बात का है। लेकिन झटका तो भारी लगा, अंतर कलह कहेंगे अभी अभी अंतर करे योगी जी को हटाने का, जनता का जो आदेश है उसको स्वीकार कर रहे हैं। 400 सीटों का तो मुलम्मा तैयार किया था, 400 सीटों का जो मुलम्मा तैयार किया था, जो भ्रम जनता में इन्होंने दिया था। सुनिए, जो चुनाव आयोग और ईडी का हाल लिए थे वो पूरी तरह ध्वस्त है, हमारे पूरी तरह ध्वस्त है। अगला चुनाव देखिए जनता जीरो में नहीं है, 100 में 99 नहीं है, 543 में 99 पूरा ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके ये सीटें आई है। झटका 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 ये सरकार अपनी सत्ता बचाने में लगी है, ज्यादा मिलेगा अपने देश की बहू बेटियों की रक्षा नहीं कर पा। कब आवे चुनाव, कब आएगा अखिलेश की सरकार बनेगी, यहाँ सरकार बनेगी, जनता आपके सामने बोल रही है। ऐसा है की अखिलेश की सरकार 2027 में नहीं बन रही है, ये बिल्कुल दिमाग से बैठा दीजिए। जवाब पूरा है, जवाब पूरा है, 27 में सरकार नहीं बन रही है। जाइए किसानों के बीच में जाइए, गरीबों के बीच में जाइए, हमारा भारतीय वर्ग है उनके बीच में जाइए। वो चाहते हैं कि मोदी जी रहे, मगर इनका क्या चला है कि संविधान बचाओ। अब संविधान, इनका संविधान कहाँ है? वो संविधान पूरा देश देख लिया, काट की हंडी बार बार नहीं चढ़नी है, एक बार चढ़ चुकी है, दोबारा कहीं सरकार नहीं आएगी। एक बार चली जाएगी, दोबारा सरकार वापस नहीं आएगी। दिवालियापन देखिए, संविधान को काट के हांडी कह रहे हैं, संविधान को जो काट के हांडी करेगा उसका मानसिक दिवालियापन कितना होगा, किस स्तर पे लोग गिरेंगे ये देख लीजिए। नहीं, इन लोगों ने जो झूठ का भ्रम फैलाया कि मोदी जी आएंगे, 400 सीट अगर इनकी आ गई तो देश संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और अच्छा खत्म भी हुआ है, पूरा देश देख लिया। आज करोड़ों लोगों को रोजगार देने की बात की तो कहां गए, ये झूठी सरकार है। और बॉन्ड के सिस्टम से करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, 500 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान को लड़ाने का काम करती है, केवल न रोजगार देती है, न नौकरी देती है, न किसानों की समस्याओं को सुनती है। अभी मोदी कुछ अभी मोदी जी ने कहा कि हर घर में पानी जाएगा,
अभी पता लगा लिया जाए किस घर में पानी जा रहा है, किस घर में पानी जा रहा है। ये घर देख के बुलडोजर चलाइए, बताइए अगर करके कॉलोनियों को मिली है अपने बांदा का उदाहरण है। 70% बांदा जिले में 70% मुस्लिमों के आवास बने। हम कोई धर्म को बांटने की राजनीति की जो एक दूसरे से मोहब्बत से रहते थे लोग आपस में इतना भीड़ पैदा कर दी है। जाती लोगों के बीच सरकार ने यहाँ के लोगों के दिलों में इतनी नफरत पैदा कर उससे लग जाएंगी नफरत मिटाने में। जिस तरह से पहले रह रही थी समाज, अब वो समाज में वो बात नहीं रह गई, इतनी नफरत फैला दी। इसको भारतीय जनता पार्टी का अंतिम संस्कार होगा। कैसा इन लोगों का भाजपा में है, हिंदू आज बांग्लादेश का हिंदू मारा जा रहा है। भारत में रह करके मुस्लिम और भारतीय लोग जो करते हैं जो लोग हिंदू शब्द नहीं कह पा रहे हैं, जो है हिंदू अल्पसंख्यक बना रहे हैं, हिंदू शब्द नहीं कह रहे पा रहे हैं। बांग्लादेश बाद में, पहले अपने देश की बात, बाद में बांग्लादेश भी जो है भारत का हिस्सा था और वहाँ भी अपने भारतीय ही हैं, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। बात तो करनी चाहिए, बात तो करनी चाहिए उसकी भी। पूरा विश्व उसकी बात कर रहा है, हम उससे हट नहीं सकते क्योंकि वो हमारा हिस्सा था। इधर हिंदुस्तान में हिंदू भी रहता है, मुस्लिम रहता है, बांग्लादेश में भी हिंदू रहता है, मुसलमान भी रहता है, पाकिस्तान में रहता है। इधर आप ये हिंदू क्या आप ये शब्द नहीं बोल सकती क्या हिंदू के विषय में, कि उधर क्या हो रहा है आज? वो गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। इसके विषय में आपने एक शब्द नहीं बोला। अभी हमारे हिंदू भाई है उनके साथ जो हो रहा है गलत बोल रहे हैं। हम बहुजन समाज पार्टी के साथ उनकी निंदा करते हैं। पूरा इंडिया गठबंधन एक शब्द नहीं बोलेगा तो देखिए मैं इसमें ये बोलना चाहती हूँ, मैं मानवता की बात करूंगी कि देखिए फोटो किसी के साथ भी किसी की हो सकती है, ठीक है, लेकिन इसको हमें राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए किसी भी पार्टी को, चाहे वो हमारी पार्टी हो चाहे किसी की हो। अपराधी को अपराधी की नजर से देखना चाहिए, जो भी अपराधी हो चाहे उसका जिस पार्टी से उसका तार जुड़ा हो उसको सजा मिलना चाहिए। जैसे अयोध्या में बुलडोजर चला है वैसे बुलडोजर कन्नौज में चलना चाहिए, वैसे बुलडोजर कुलदीप सिंह सेंगर के यहाँ चलना चाहिए, वैसे बुलडोजर ब्रजभूषण शरण सिंह के यहाँ भी चलना चाहिए। किसान नेता है, आप क्या मानते हैं जो आरोप लग रहे हैं सपा पे? जो भी ये रेप हो रहे हैं देश की बेटियां हैं, जिसकी भी सरकार हो उसकी जिम्मेदारी है कि ऐसे जो घटनाएं हो रही हैं उसकी रोकथाम कैसे कर पाए, और जो भी इसका दोषी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो किसी भी दल का हो। और किसी के साथ साथ भी फोटो हो सकते हैं जैसे हमारी शालिनी जी ने बताया, तो फोटो का विषय नहीं है, विषय हमारा ये है कि जो भी ऐसी घटनाएं करें उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति न कर सके, ये सबक सरकार को देना चाहिए। उपचुनाव में कितना असर पड़ेगा इसका? अब ये तो राजनीतिक दल, मैं तो भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक से हूँ, हम किसानों की बात ज्यादा जानते हैं, राजनीति ज्यादा जानते नहीं है, फिर भी ये जानते हैं कि अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो कहीं ना कहीं राजनीति पर अच्छा खासा असर छोड़ जाएंगे। भाजपा में अंतर कलह का चल रही थी, भाजपा खुद में काफी परेशान थी उपचुनाव की तैयारियों को लेकर, वही मौका मिल गया भाजपा को? भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर कलह नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत मजबूत संगठन है और भारतीय जनता पार्टी में संगठन ही महत्व है। संगठन का हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेदार व्यक्ति है। रही बात आज आपने जो बलात्कार जैसी घटनाओं को लेकर के जो डिबेट किया है, मैं रामपाल प्रजापति भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं और प्रजापति समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बलात्कार जैसे अपराधों को जो अंजाम देते हैं उनके लिए सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई करने का और नए नियम बना करके उनको कड़ी से कड़ा सजा देने का जो प्रावधान रखा है, और जो भी दोषी पाया जाता है उस पर पूरी तरह से कार्रवाई की जा रही है।
इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं तो सपा तो कह रही है कि जो अखिलेश है उन्होंने कहा है कि ये सपा के नहीं है, जो हमारे सपा से रहते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग बाग जो है जो झूठी फरेब की अफवाह उड़ा करके अभी जो लोकसभा के चुनाव में उन्होंने लोकतंत्र और संविधान की दुहाई दे करके जो चुनाव लड़े हैं, आज लोकतंत्र में जो है जो भी बातें हो रही हैं अब वो कहाँ गया लोकतंत्र? पीडीए का जो नारा दिया था उन्होंने, पीडीए कहाँ है? आप करहल में जो है भाई परिवार को क्यों दे दिया टिकट? किसी दूसरे जो है किसी पीडीए के किसी व्यक्ति को दे देते टिकट? तो ये परिवारवादी हैं, ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये किसी के नहीं है। आप भी संगठन में है, गठबंधन में है, परिवारवादी है, समाजवादी पार्टी किसी के नहीं है, ये कहेंगे रेपिस्ट है? नहीं, ये देखिए भाजपा जो आरोप लगाते है ये कोई रेप, ये कानून व्यवस्था का विषय है, देश की हो या प्रदेश की हो पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आप देख लीजिए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर, कितने नाम में बताऊं, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, 3-3 महीने उनको पकड़ा नहीं गया, क्या उनके ऊपर बुलडोजर चला है? ये सरकार पूरी तरह से जिस तरह एक पारदर्शी रूप से काम नहीं करती है, केवल ये देखती है कि हमारा कहाँ फायदा होगा कहाँ फायदा नहीं होगा, ये जो कृत्य करती है इससे इस देश का पूरा जनमानस इनके खिलाफ है। जो उपचुनाव आएंगे बुलडोजर नहीं चला तो उन्होंने अभी बताया, बुलडोजर सब जगह चलता है, जहां पर दोषी पाया जाता है उसके पास सब जगह चलेगा। और जो परिवारवाद की बात ये कह रहे हैं कि कांग्रेस तो जन्मजात परिवारवादी है, इसलिए क्या कहेंगे कि परिवारवाद नहीं है? ये तो जन्मजात परिवारवादी है ना, क्या बोल रहा है? देखिए ये आरोप लगाना क्या जवाहरलाल जी से लेके मोतीलाल जी से लेके, जब तो लोग कल्पना भी नहीं करते थे देश स्वतंत्र होगा कि नहीं होगा, तब उन्होंने कुर्बानियां दी इस देश के लिए, क्या नहीं किया? ठीक है, सुनिए इनकी बात मत रहिए, इंदिरा जी, अरे सुनिए, अरे इंदिरा जी, राजीव जी, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, क्या क्या नहीं है? अगर भगत सिंह जैसे नौजवान फांसी पर झूले हैं, अगर ये पैर भी करते बैरिस्टर थे विदेश में पढ़ करके आए, इन्होंने वकालत क्यों नहीं की थी उनकी? अरे सुनिए ये बताइए पहले इनको इतना बड़ा नालच नहीं के साथ जो इनको नालच नहीं, सुनिए बात, पहले व्यक्ति थे जवाहरलाल जी, पहले इनको पढ़ना चाहिए इतिहास, पहले व्यक्ति थे जवाहरलाल जी जो भगत सिंह से मिलने गए, और भगत सिंह ने खुद लिखा है कि मैं जितना संतुष्ट जवाहरलाल जी से हूँ उतना किसी से नहीं हूँ। क्या जवाहरलाल जी बैरिस्टर थे? सरदार पटेल जी बैरिस्टर थे, गांधी जी बैरिस्टर थे, अम्बेडकर साहब बैरिस्टर थे, ठीक है, पहले राष्ट्रपति महोदय बैरिस्टर, ठीक है, अभी की बात करते हैं। आपका क्या मानना है, सपा पे आरोप लग रहे हैं कन्नौज में जो हुआ उसके साफ तौर पूर्व ब्लॉक प्रमुख है वो सपा के, और अब तो मना कर दिया कि हमारी पार्टी में नहीं है? देखिए वो तो अयोध्या में जो है आरोप लगे, देखिए ये मुईद वाला मैटर है और सापा का वो कैंडिडेट है वो तो है समाजवादी पार्टी का, मगर वो जो बुजुर्ग है 70 साल का बुढ़ा है उसने उस लड़की से रेप नहीं किया, वो झूठा फसाया। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अल्पसंख्यकों को कुचलने का काम कर रही है, और जो दूसरी जात का आदमी रेप करे, हाथरस कांड हुआ और भी बनारस में महिलाओं के साथ रेप हुआ, वहां बुलडोजर नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि अल्पसंख्यक ठाकुर अन्य बिरादरी के थे, वहाँ केवल मुसलमानों पे अल्पसंख्यकों पे बुलडोजर चलता है। कान सही कह रहे हैं? देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं एक महिला हूँ और देश की किसी भी महिला के साथ कोई भी व्यक्ति अगर गलत करता है, किसी भी पार्टी का हो, मैं कहती हूँ वो चाहे जिसकी भी सरकार हो, मैं माननीय योगी जी से भी प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप कार्रवाई लगातार जितने भी आरोपी एक लिस्ट बनाए सबके घरों पर आप बुलडोजर चलाइए, पार्टी छोड़ करके मानवता की बात करिए, तभी हमारा भारत देश विकसित होगा, तभी महिला सुरक्षित होगी। देखिए महिलाओं को आए दिन छला जाता है, मैं अपने गृह जनपद की बात करती हूँ, आप सुबह चले जाइए एसपी आप अब 50 महिला न्याय के लिए आएंगी, तो कहाँ है हमारी कानून व्यवस्था? अगर कानून व्यवस्था सही होती तो लोगों को, महिलाओं को, किसानों को थाने से न्याय मिल जाता, थाने से न्याय नहीं मिलता, इसलिए दर दर की ठोकरें, चाहे वो किसान हो चाहे वो मजदूर हो। सपा पे लगातार आरोप लगते रहे, क्या सपा का यही स्टैंड रहा?
देखिए मैंने बोला ना कि मैं थोड़ा पार्टी छोड़कर के आपसे बात कर रही हूँ। देखिए या सपा हो चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं देश की महिलाओं के साथ हूँ। महिलाओं के साथ अगर कोई गलत करेगा, चाहे जिस पार्टी का व्यक्ति हो, बुलडोजर चलाइए तो सबके यहाँ चलाइए। मैं आपके सपोर्ट में खड़ी हूँ क्योंकि हमें कानून पर भरोसा है। आपका क्या मानना है कि जो है मुंह देखा व्यवहार किया जा रहा है? देखिए सरकारों का काम है कि वो कैसा स्टैंड ले रही है, कैसा रिएक्शन ले रही है। जो सरकारों के द्वारा जो अपराधियों के ऊपर जो एक्शन लिया जा रहा है वो तो देश देख रहा है। और महिलाओं के खास तौर पर अगर देखा जाए तो महिलाओं के ऊपर कहीं भी अत्याचार होगा, अगर देश की बेटी है तो उसके साथ हम लोग खड़े हैं। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया, भारतीय जनता पार्टी नारी सुरक्षा अभियान चलाया है, और उसके लिए विशेष हर थाने में नारियों के लिए जो है एक काउंटर अलग से सेल बना करके उनकी सुरक्षा के लिए काम किया जाता है। इसलिए नारी कोई भी जो महिला की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सरकार तत्पर है, और कोई भी महिला किसी भी जात धर्म की हो उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, उसके साथ अगर गलत हो रहा है उसको न्याय मिलना चाहिए। ये सरकार आपकी फिर भी कैसे हिम्मत पड़ रही है जी? सरकार आपकी है फिर भी हिम्मत कैसे? देखिए बलात्कारियों का कोई धर्म और जाति नहीं है, बलात्कारी है तो बलात्कारी के साथ खुराफात जो करते हैं उनके साथ कठोर कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर ये जो यहाँ जो है चर्चा हुई उपचुनाव पर कितना असर पड़ने वाला है, आरोपों को लेकर चर्चा हुई, तो जो निकल कर सामने आया तो कुल मिलाकर कहीं न कहीं प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन कुछ ज्यादा प्रभाव पड़ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी भी जो मुद्दे हैं वो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे अभी भी हावी है। जो जनता के दिमाग में है वो मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई के हैं। राजनीतिक जो पखवाड़े हैं, राजनीतिक जो लोग हैं वो भले ही आपस में लड़ते रहे, मुद्दे उठाते रहे, और कितना भी जो है कोई रेप का मुद्दा या एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, जनता को इससे जो है परहेज लगते नजर नहीं आ रहा है। और जनता तो जो मुद्दा है वो महंगाई और बेरोजगारी है, और जो आगे भी चुनाव होने वाले हैं जो होंगे वो इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा, उन्हीं मुद्दों पर वोट पड़ने वाला। बांदा से श्रेष्ठ यूपी के लिए दीपक कुमार पांडे। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे।